नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के धामपुर स्वतंत्र देव सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी का इंसान और महिलाओं के सम्मान का संकल्प केंद्र की नरेंद्र मोदी व प्रदेश की योगी सरकार ने लिया है। आज दोनों सरकारें अपने वादे पर खरी उतरी हैं तथा भ्रष्टाचार का एक भी दाग उन पर नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा की योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रियंका स्कूल में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने 6 साल के कार्यकाल में ग्रामीण उत्थान के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए। उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, पीएम आवास, शौचालय, किसान सम्मान निधि, जन धन योजना जैसी योजनाएं लागू कर गरीबों को राहत पहुंचाई है। वहीं प्रदेश की योगी सरकार ने सीमांत किसानों के ऋण माफ करने के साथ साथ अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया है। सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और इस बार भी पंचायत चुनाव में भाजपा ने प्रत्येक सीट को जीतने का संकल्प लिया है। इससे पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का फूलों की विशाल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया तथा इसके बाद गदा व राम दरबार के रूप में स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, भाजपा विधायक अशोक राणा, चांदपुर विधायक कमलेश सैनी, नहटोर विधायक ओम कुमार, बिजनौर सदर विधायक श्रीमती सुचि चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव सिसोदिया, कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विधायक अशोक राणा ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। बिजनौर जिला ब्यूरो, शमीम अहमद की रिपोर्ट।